आईपीएल के 16वें सीजन के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सुमन गिल के बल्ले से 129 रनों की तूफानी पारी देखने को मिली। मुंबई इंडियंस के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आई इस पारी के दम पर गुजरात टाइटंस ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुमन गिल ने भी सीजन अपनी तीसरी शतकीय पारी के दम पर कई अनगिनत रिकॉर्ड बनाने के साथ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स को भी तोड़ने का काम भी किया। सुमन गिल का इस सीजन अब तक के बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। गिल अब तक 16 पारियों में 60 की औसत से 859 रन बना चुके हैं। इसमें 3 शतकीय पारियों के साथ 4 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं। अपनी 129 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर अब सुमन गिल आईपीएल के प्लेऑफ मैचों में सर्वाधिक निजी रनों की पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इस लिस्ट में वीरेंद्र सहवाग 122 रनों के साथ पहले स्थान पर हैं और शेन वॉटसन 117 रनों के साथ दूसरे स्थान पर थे। आईपीएल इतिहास में सुमन गिल अब बतौर भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक निजी स्कोर बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर लोकेश राहुल है, जिन्होंने साल 2020 में खेले गए सीजन में आरसीबी के खिलाफ 132 रनों की नाबाद पारी खेली थी। वहीं अब गिल 129 रनों की पारी के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं। इसके अलावा एक आईपीएल सीजन में बतौर भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक बाउंड्री लगाने के मामले में विराट कोहली के बाद अब सुमन गिल दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने साल 2016 के सीजन में कुल 122 बाउंड्री लगाई थी। वहीं गिल अब तक के सीजन में 111 बाउंड्री लगा चुके हैं। वहीं सुमन गिल इस सीजन अब तक 859 रन बना चुके हैं। एक सीजन में 800 से अधिक रन बनाने के मामले में वे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले विराट कोहली ने एक सीजन में 973 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने एक सीजन में 863 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सुमन गिल ने अपनी पारी के दौरान 10 छक्के भी लगाए। इसी के साथ वे आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड रिद्धिमान शाह, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग और शेन वॉटसन के नाम था। सभी खिलाड़ियों के नाम पर 8-8 छक्के एक पारी में लगाने का रिकॉर्ड था। वैसे आपके सोचते हैं सुमन गिल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।